हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। टुडे हियर विद द न्यू वीडियो दैट इज अबाउट द जॉब वैकेंसीज इन टाटा मेमोरियल सेंटर और होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर पंजाब। ठीक है, तो होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर पंजाब ने वॉक इन इंटरव्यू रखा है एंड द वॉक इन इंटरव्यू की डेट है 9th of December 2020 बिटवीन 9:30 AM to 11:30 AM, मतलब 9:30 to 11:30 के बीच में वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे वेन्यू बताया है, दैट इज़ होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल कैंपस में ही, संगरूर के जो इनके हॉस्पिटल कैंपस है वहीं पे ही आपकी इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया की स्टाफ नर्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, यहाँ पे 9 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टाफ नर्स की सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें एज लिमिट की, एज लिमिट इज अप टू 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए इस इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट, आपको पता है कि GNM में डिप्लोमा या फिर आपकी BSc नर्सिंग में डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपको 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स, जो हमारी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है और स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर बात करें कोई कैंडिडेट है, अगर उसके पास नर्सिंग ऑन्कोलॉजी का डिप्लोमा है, तो उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, हमने देखा था कि मैक्सिमम एज 30 है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास डिप्लोमा है इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी, उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। मतलब 35 ईयर्स तक के भी अगर वो हैं तो इस इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन शुड बी कम्प्लीटेड। ठीक है, इस इंटरव्यू से पहले उनकी हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन कम्प्लीट हुई होनी चाहिए। और नेक्स्ट है, वर्किंग पैटर्न विल बी 6 days a week। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें, अगर हम जो भी जितने भी हमारे रजिस्टर्ड नर्स हैं या फिर जितने भी हमारी मिडवाइफ हैं, ठीक है, वो हमारी जॉब लोकेशन है जो संगरूर की जो बताई हुई है, वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम 9:30 से बिफोर उनको वहाँ पहुँचना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम सैलरी की बात करें, पे स्केल की बात करें, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी है दैट इज़ 23,000। सो नेक्स्ट, अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इस इंटरव्यू के लिए, तो उनको अपने साथ क्या कैरी करना है। सबसे पहले तो उनके पास कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, कंप्लीट ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, जेरोक्स कॉपी ऑफ पैन कार्ड, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो मैंने अभी बताया, ठीक है, उसके साथ 1 set of attested copy ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट्स। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आपके साथ कैरी करना है फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू।